हे गुड मॉर्निंग, क्या बोलती है पब्लिक। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। न्यू वीक इज ऑन, मंडे इज बैक। अभी जो डॉग आपने देखा उसके लिए मैं खाना लेके आया हूँ, क्योंकि वो बहुत पतला हो रहा है बेचारा। तो घर में आज घी बना था, तो उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वो रॉकी खाता है, पर रॉकी के लिए तो घर में खाना है, तो उसका रॉकी का खाना हम लोग वो डॉगी को दे देंगे। तो उसके लिए मम्मी अभी खड़ी है, पर वो दूर भाग गई है, पता नहीं क्यों। फीमेल डॉग है। ये देखो खाना उसके लिए, और वो कुछ, ये वो आ गई। यस, ले 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 ले, ये यस। हमारा जंगली कुत्ता देखो ऊपर, मजा आ गया बेचारे खाना। ये बच्चा आई तो छनी। तो मिशन पास हो चुका है, डॉगी को खाना मिल गया। ऊपर से वैसे रॉकी काफी भौंक रहा है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता उसका खाना कोई दूसरे डॉग को दे, या फिर हम कोई और डॉग को खाना दे तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इनकी प्रायोरिटी हूँ और मेरे को ही खाना मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अगर है तो ये डॉगी को भी देंगे हम लोग। इसको ठीक करता है। टंकी डन, बेड डन, अब खाली झाड़ू मारना बाकी है ऊपर के फ्लोर पे। वैसे बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पिछले 6-8 महीने में इतने बड़े बाल मैंने कभी नहीं किए। आखिरी बार इतने बड़े बाल मैंने किए थे मई में। अगर आप तब के ब्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाल कितने बड़े हो रहे हैं। पर उसके बाद मैंने एकदम रेगुलर इंटरवल में कटवाना शुरू कर दिया था बालों को। मैं कल या परसों कटवा लूँगा। वैसे तो यहाँ अगर मैं सफाई के एक दिन बाद झाड़ू नहीं भी मारता तो भी चलता है, पर कल रात को इतने मच्छर थे तो मैंने मच्छर मारे ना, तो उसके बाद काफी मच्छरों की लाश नीचे पड़ी है, तो उनको साफ तो करना पड़ेगा ना। देख लो किस लेवल का कचरा हो गया है मच्छरों की वजह से। वाओ, स्विमिंग पूल बना लिया है। वाओ, सीरियसली व्हाट इज दिस? कबूतर बोलेगा दिस इज हेवन। वैसे आज वीडियो के स्टार्टिंग में आपने टाइगर को दिखा था। हाँ, वही टाइगर जिससे मैं रॉकी को ट्रेनिंग दे रहा था। रॉकी की ट्रेनिंग की वीडियो अगर नहीं देखी तो लिंक यहाँ पे, देख लेना। वो टाइगर का हाल रॉकी ने क्या किया अभी बताता हूँ आपको। पता नहीं कब फर्स्ट फ्लोर से रॉकी टाइगर को ले गया और डाइनिंग टेबल के नीचे घुस गया। हमें पता भी नहीं चली थी वो बात, और अचानक मम्मी ने देखा और मम्मी ने बोला कि सनी तेरा टाइगर गया। तो जब मैं अपने टाइगर के पास गया तो उसके पैर मुझे मिले, चारों पैर उसके अलग कर दिए रॉकी ने। और ये देख के मेरा जी जल गया, क्योंकि टाइगर मेरा बहुत अच्छा था और उसको मैं रखता था अपने रूम में और उसको देख के मैं बहुत खुश होता था। पर अब वो नहीं रहा, रहा तो सही पर वो लंगड़ा हो गया है। ये रहा हमारा टाइगर। टाइगर लंगड़ा है पर टाइगर जिंदा है। अगेन अगेन for real. सनी, कुछ दिनों पहले तू गांव में घूमने जाने वाला था, साइकिलिंग करने जाने वाला था, पर तेरा फोन स्विच ऑफ होने के कारण तू घर वापस आ गया था। क्या तू वापस जाएगा साइकिलिंग करने? नाइस आइडिया रॉकी, आज जाऊंगा वहाँ पे साइकिलिंग करने। तूने मस्त आइडिया दिया, थैंक्स रॉकी याद दिलाने के लिए। आज मैं वहाँ पे साइकिलिंग करने जाऊंगा, आज फोन में बैटरी फुल है। अभी तो मेरी वॉक बाकी है, थोड़ी देर रुक, 10 मिनट बाद जाना। ओके ओके। शांति बहुत है यहाँ पे, और गाय भैंस भी। गांव की खासियत, पतले पतले रोड। आई लाइक इट, मुझे रास्ता याद रखना चाहिए।
क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस रास्ते के साथ जा रहा हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए फील करो खाली। और इतनी शांति थी ना, एक पॉइंट पे मैं पहुंच गया था जहां मेरे को उस शांति की वजह से डर लगने लगा था। राजेश, पीछे के गांव में गया है कभी तू? एक बार साइकिल चलाने गया था, वो तब मैंने शांत रोड वगैरह देखी थी, बाकी तो गांव में मैं नहीं गया। गांव में अपन शायद एक आध बार गए थे मंदिर के वहां पे, और वो भी काम कुछ होगा तो फिर काम। वो मंदिर तो गाँव की शुरुआत भी नहीं है, अंदर और है एकदम। कहाँ गया था मेरे को तो पता भी नहीं है, बस ऐसी जगह चला गया था जहाँ पे खेत थे और खेत संभालने वाले का एक रूम होता है, पता है? वो खाली रूम थे और मेरी पूरी फट रही थी, पर मैं फिर भी आगे जा रहा था, पर मजा आ रही थी। एडवेंचरस ऐसा कभी, मतलब अकेले करने में तो मजा आता है पर दो लोग जाएंगे तो और मजा आएगा। पर सांप वाप भी होते हैं वहां पे, तो उस बात का डर लगता है मेरे को। देखा नहीं, एक बार हम लोग आम लेने जा रहे थे ना उसके, हाँ तो वहां पे दिखा था सांप। खेत है यार वहां, सांप कोई बड़ा जानवर भी हो सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते। हाँ मतलब, तो मेरे को तो ऐसे भी लग रहा था कहीं से शेर वेर ना आ जाए। शेर वेर नहीं होता है, कोई ऐसे ऐसी चीजें जो तूने देखी नहीं होगी, जैसे ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं और ऐसी सब चीजें हो सकती है। वुल्फ भी तो हो सकता है ना। कोई नहीं होता है, वुल्फ नहीं होता है, वो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर वो खाना खा सके। यहाँ पर कुछ खाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा उसने खाया है। क्या खाते हो? किसी की बकरी खाया। बकरी यही सब खाता है वो, और क्या खाता। वैसे वैसे राजेश आज ये लाया था बकरी से, ये आता है खाने से। तो राजेश चॉकलेट लाया था, चलो इसको खाता है, इसको खोल। और ये देखो एक स्टोरी, मैंने बड़े दिनों बाद अपनी खुद की एक स्टोरी देख रहा हूँ मैं, और ये मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। फोकस हो रहा है, अभी हो रहा है। तो ये चीज़ है मे की, और ये जो स्टोरी है वो अभी क्यों दिखी, क्योंकि जिस बंदे ने इसके ऊपर उस टाइम पे रिएक्ट किया था, उस बंदे ने वापस मेरी आज की कुछ स्टोरी पे रिएक्ट किया, जो हम नॉर्मली वो व्लॉग अपलोडेड और वो वाली डालते हैं ना उसके ऊपर। फिर मैंने खुद वो स्टोरी देखना, मैं क्या कि ये मैं था। कल नाइट मैच खेलेगा क्या? अरे भाई, एक भाई ने मेरे को नाइट मैच के लिए बताया हुआ है। कल नाइट मैच, ऑफिस से थक के आता है क्या, मैच खेलेगा? बहुत दूर है ना वो तो यहाँ से? दूर नहीं है। अच्छा वो यहाँ वाला है वो? अच्छा नहीं, हो ही नहीं सकता। एक तो राजेश इतना थक जाता है खा के ही सो जाता है, या अगर एडिट करता है तो उसके बाद तो फिर मैच कहाँ से खेलेगा। आप लोग ने अगर देखा नहीं तो एक नाइट मैच मैंने खेला हुआ है, उसका ब्लॉग देख लो। फिलहाल के लिए कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो भाई को मैंने मना कर दिया है। और आई होप यू गाइज एंजॉयड द ब्लॉग। आप लोग कल भी ना भूले ब्लॉग देखने आ जाना, आप लोग मना नहीं करना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको आपको लगता है कि हमारे वीडियोस पसंद आएंगे, और इससे हम हमारे सब्सक्राइबर गोल टारगेट पे शायद जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, बाकी तो हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए पीस आउट। हेलो गाइस, क्या बोल रही पब्लिक।